सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई सेकेंड हैंड गाड़ी, जैसे कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट के सेक्शन में यहाँ पे हम आ चुके हैं। और आपको आज दिखाने वाला हूँ भाई R15 यमा के जो लवर्स है एंड बजाज का जो लवर्स है, यहाँ पे RS 200 गाड़ी है एंड जो KTM के जो लवर्स है वहाँ पर ड्यूक 200cc की गाड़ी भी अवेलेबल यहाँ पर है। और ये तीनों गाड़ियाँ जो है सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं, तो भाई तीनों गाड़ियों के बारे में आपको जानने को मिलेगा कितना क्या इनका प्राइस है और कितना क्या किलोमीटर चली हुई है और कौन सी मॉडल यानी कि कौन सी वेरिएंट है, किस ईयर की है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और तो आ चुके हैं शुभम भाई और बताएंगे भाई पहला कौन सा बाइक दिखाएंगे। ये आपका R15 V3 मॉडल गाड़ी है। आपका इसमें जो कस्टमर है मॉडिफिकेशन सब किया है, जैसा आपका ब्रेक का कलर चेंज किया है, आपका मिरर लगाया है, विंग्स लगाया है साइड में, कलर ब्लैक में है। R15 जो ऑन डिमांड गाड़ी है आपका, ब्लैक कलर में V3 मॉडल है आपका, 2020 का गाड़ी है। गाड़ी को अच्छा मॉडिफिकेशन, ये आपका 2020 का R15 गाड़ी है, V3 मॉडल है आपका। आपका इसका ऑन डिमांड प्राइस है 1,15,000 और आने से नेगोशिएबल भी हो जाएगा। कितना क्या चला हुआ है गाड़ी? गाड़ी आपका 50,000 समथिंग कुछ चला हुआ है। कस्टमर तो जो था वो राइडर है, वो अपना दौड़ाया जैसे दौड़ाना चाहिए। और अच्छा अच्छा, तो मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा दूँ, बाइक दिखा दूँ भाई। ये है ब्लैक कलर की R15 एंड देखिए भाई यहाँ पे हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन की गई है विंग्स, जैसे कि भाई ने कहा ये रहा भाई विंग्स। एंड यहाँ पे इसका जो क्लच है देखिए भाई, इसको भी चेंज किया गया है। एंड ये रहा इसका फ्रंट का प्रोफाइल, शार्प लुक के साथ आती है भाई R15, जैसे कि आपको पता ही है और काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है। फ्रंट डिस्क बाइपर डिस्क यहाँ पर लगी हुई गाड़ी में, स्प्लिटर टाइप की सीट आपको यहाँ पर मिल जाती है, सब कुछ जो है यहाँ पर अच्छे कर मिल जा रही है R15 भाई। जो एग्जॉस्ट लगा हुई है स्टॉक है या फिर इसको भी मॉडिफिकेशन किया गया है? इसको भी मॉडिफिकेशन किया गया है लग रहा है मेरे को, तो ये स्टॉक भाई नहीं है, इसको भी जो है इंस्टॉल करवाया गया है। एग्जॉस्ट का जो पार्ट आप देख रहे हो एंड रियर में डिस्क, यहाँ पे टायर का कंडीशन देख पा रहे, इसका रियर टायर का कंडीशन हो गया। देन ये आपको नेगोशिएबल भाई तो कर देंगे, लेकिन इसका जो आस्किंग जो प्राइस है वो है 1,15,000 का। एंड डिस्प्ले आपको दिखा दूँ, ये इसका डिस्प्ले, तो ये चली हुई है ये जो बाइक है, ये चला हुआ है 51,483 किलोमीटर की इसका क्लस्टर। तो भाई ये हो गया R15 एंड अभी चलते हैं बजाज की ओर यानी कि RS 200 की ओर। तो अभी बताएंगे RS 200 के बारे में। ये आपका RS 200 है, 8 महीने का गाड़ी है। OD14 डबल है नंबर है, जो हम लोग राउरकेला का RTO नंबर है। अच्छा, गाड़ी में नॉर्मल है जो कंपनी से आता है, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन इस पर नहीं किया जैसे R15 में होता है। गाड़ी पर मस्त है, पूरा आगे पीछे सब चमका हुआ है। 8 महीने का गाड़ी है, उसमें क्या रहेगा ना चलाया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर देख लीजिए कोई। तो कितना क्या इसका प्राइस पहले बता दीजिए? इसका प्राइस है 1,35,000, आने से नेगोशिएबल भी हो जाएगा। तो भाई 1,35,000 इनका जो है इसका डिमांडिंग आस्किंग प्राइस है। एंड AVS जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, फ्रंट में डिस्क मिल जा रही है और ईगल आई टाइप के आपको यहाँ पे, जैसे कि पता है भाई RS 200 का फ्रंट लुक जैसे देख पा रहे हो भाई, एक बार ऑन भी कर देते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे इसका DRL ठीक है ना। तो गाड़ी का देखिए भाई टैंक, ह्यूज टैंक है, स्प्लिट टाइप की सीट आपको मिल जा रही है एंड किलोमीटर। तो भाई ये इसका क्लस्टर का पूरा प्रोफाइल एंड मीटर जो है चेंज किया गया है, तो यहाँ पे इसलिए जो है कम दिखाई दे रहा होगा ठीक है ना। तो ये इसका क्लस्टर, ये इसका भाई टैंक, पल्सर का ब्रांडिंग एंड जैसे कि भाई ने कहा भाई ये राउरकेला की गाड़ी है, तो नंबर प्लेट आपको एक बार दिखा दूँ। और ये जो R15 थी ना जो मैंने आपको दिखाया, वो भी देखिए राउरकेला की गाड़ी है। एंड देखिए ये रहा इसका टेल लाइट एंड देखिए OD14A नंबर प्लेट ओके। देन RS 200 यहाँ पे टायर का यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि कंडीशन एंड इसका साइड प्रोफाइल, पल्सर RS 200 का 1,35,000 इसका जो है आस्किंग प्राइस है, बाकी निगोशियेबल है। एंड गाड़ी जो है आपको कंडीशन काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया भाई RS 200 के बारे में। अभी चलते हैं द नेकेड स्पोर्ट्स बाइक यानी कि भाई ये वाली KTM ड्यूक 200 DRL काफ़ी मस्त लगती है। तो भाई इसके बारे में बताइए। ये आपका 1 साल का गाड़ी है, KTM अच्छा। ड्यूक 200 गाड़ी मतलब 2022 का, 2022 का गाड़ी है, फरवरी महीने का गाड़ी है अच्छा। 1 साल प्लस चल रहा जो गाड़ी आपका, इसका प्राइस, ये गाड़ी आपका नॉर्मल है, कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हुआ नहीं है, जैसे कंपनी होता है वैसे ही गाड़ी है आपका। बलांगीर का गाड़ी है, OD03 नंबर है आपका। ये आस्किंग प्राइस है 1,55,000, आने टाइम में नेगोशिएबल हो जाएगा। तो 1,55,000 का इसका जो आस्किंग प्राइस है एंड ये भाई है ड्यूक 200 की बाइक। और देखते हैं भाई कितना क्या चला हुआ है ये बाइक। तो ये भाई 1 साल पुरानी वाली गाड़ी है, तो बस
6839 किलोमीटर जो है चला हुआ है ये बाइक। एंड भाई रेड एंड सॉरी ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की गाड़ी जो कि भाई KTM की सिग्नेचर शाइन है। एंड भाई देखिए इसका स्प्लिट टाइप की सीट एंड उसका ग्रैब जैसे देख पा रहे हो। तो देखिए इसका DRL एंड इसका हेडलाइट मिलता आपको हेलोजन के साथ। एंड देखिए भाई गाड़ी का पूरा प्रोफाइल देखिए। ओके हाँ ड्यूक 200 यहाँ पे लिखा गया कि नहीं। तो भाई यही था तीनों बाइकों के बारे में यानी कि स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो अभी भाई से पूछते हैं लोकेशन क्या है और क्या क्या आपको मिलेगी अगर आप यहाँ से बाइक लेते हो। तो अभी भाई बताएंगे कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी लेता तो उनको क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई बताइए। तो आप यहाँ से गाड़ी लेंगे तो पहली बार तो आपको 6 महीने इंजन के ऊपर वारंटी मिलेगा जो मेन चीज़ है। इंजन के बिना गाड़ी कुछ फायदा नहीं है। सब कुछ ठीक कर देंगे पर इंजन कभी नहीं हो पाएगा। होगा पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा जिससे हम लोग 6 महीना इंजन के ऊपर वारंटी मिलता है। पर ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आराम से चलेगा, आप जितना दिन चलाना चलाइए पर हम लोग 6 महीना इंजन के ऊपर वारंटी रहता है। आपका 1 साल इंश्योरेंस मिलेगा गाड़ी में, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा। अगर इंश्योरेंस होगा तो 5 साल का इंश्योरेंस रहेगा। 1 साल का इंश्योरेंस मिलेगा आपको, ट्रांसफ़र होगा। ये दो टाइप का गाड़ी होता है, एक तो टना हुआ एक तो एक्सचेंज वाला। एक्सचेंज वाला जो होता है वो आपके 1 महीने में होगा ट्रांसफ़र, और टना हुआ गाड़ी जो रहता है मतलब जो फाइनेंस में जो पैसा नहीं भरे होते वो गाड़ी आपका मैक्सिमम 2 महीना लगता है, 2 से 3 महीना लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तब तक हम लोग का RC का जेरेक्स रहेगा और आपका हम लोग का डिलीवरी लेटर रहेगा जिससे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मेरे चैनल थ्रू कोई आता है यहाँ पे तो उनको क्या कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा? आपके चैनल से आएंगे तो कोई नहीं, काहे नहीं दिक्कत है, काहे डिस्काउंट नहीं देंगे, सीरियस डिस्काउंट देंगे। आपका चैनल का नाम लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग भैया इतना मेहनत कर रहे हैं चैनल के ऊपर, इतना वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके देन भाई यहाँ पे आपको मिलेंगे अगर आप आते हो राउकला महालक्ष्मी सेकेंड हैंड बाइक शोरूम में तो यहाँ पे भाई मिल जाएंगे। और अगर आप आते हो गाड़ी देखिए भाई, इंजन देखिए, चलाइए, उसके बाद प्राइस डिसाइड कीजिए यहाँ पे टेबल के ऊपर, ठीक है ना। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलता है वीडियो में, धन्यवाद।